नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह और शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। सीएम ममता बनर्जी बुधवार को विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर हुई बहस के जवाब देते हुए केंद्र पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से विरोधी पार्टियों को राष्ट्रपति चुनाव से पहले साथ आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही भाजपा ने 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीतना भाजपा के लिए आसान काम नहीं होगा। भाजपा के पास देश में कुल विधायकों की संख्या के आधे सदस्य भी नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। कहा, बंगाल को मिला था पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव, सुबेंदु पर लगाया धमकी देने का आरोप। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी चाहत है कि वह नई चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखें। इस फिल्म से सच्चाई सामने आ गई है, इसमें तथ्यों को सही सही रिपोर्ट किया गया है। अपने 8 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर आने के उपलक्ष में बुधवार दोपहर सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लाइक मोस्ट ऑफ यू टू सी कश्मीर फाइल्स। Truth has come out, as rightly reported. We all need to know and feel concerned. बंगाल होगा अगला कश्मीर, हिंदू लड़े अपने वजूद की लड़ाई, द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद बोले गिरिराज सिंह। क्या बंगाल में फिर दस्तक देगा चक्रवात? अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार सीतरांग साइक्लोन एक बार फिर बंगाल में मचा सकता है तबाही। मौसम विभाग के अनुसार इंडोनेशिया के बांदा तट से होते हुए हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर सीतरांग तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। रुख करते हैं जिलों की खबरों की ओर। पानीहाटी पालिका के पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया, मगर इसके पहले पार्षदों ने दिवंगत चेयरमैन स्वपन घोष और दिवंगत पार्षद अनूप दत्ता को याद करते हुए मौन का पालन किया। सांसद सौगत राय, तृणमूल के मुख्य सचेतक व विधायक निर्मल घोष की उपस्थिति में पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। वहीं इसके बाद चेयरमैन के तौर पर मलय राय के नाम की घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा कि पालिका वासियों के लिए हर समय खड़े रहने के साथ ही यहां विकास के लिए काम करना ही हम सभी का लक्ष्य है। अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरों पर। थम जाएगी रूस और यूक्रेन की बीच जंग। रूसी विदेशी मंत्री लावरोव ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच जंग पर जल्द विराम लग सकता है। एक नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की हलचलों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और उर्वशी रोतेला को जुहू में किया गया स्पॉट। इस दौरान उन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी पर दिया अपना रिएक्शन। बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए। और हमारी जो इतिहास है, जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारी देश के जो कैंसर है, टुकड़े गैंग सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप खिली रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। महानगर व देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।